के वजीर आला के पी अली अमीन गन्नापुर ने पंजाब पुलिस को खबरदार कर दिया है। कहते हैं एक बार तो आपको बचा लिया, अगली बार किसी ने गैर कानूनी काम किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। जब नवाज शरीफ चोरी के जुर्म में गिरफ्तार थे उस वक्त मरियम नवाज पंजाब में जलसे करती थी, आज हमारा लीडर है जो कि कैद है तो उन्हें पंजाब में जलसों पर एतराज है। वज़ीर आला के पी ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि आपका ज़मीर देर से जागा है, अब रजीम चेंज की साजिश से जुड़ी तमाम बातें ज़बान पर लाएं। पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ, उस दिन तो मैंने छोड़ दिया है तुम लोगों को, अपने वर्कर से मैंने छुड़वाया है और उसके लिए मुझे मेरे लोगों को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों का एहसास किया हमने, तुम्हारी फैमिली का एहसास किया हमने, अगर तुम्हें हमारे लोगों के बच्चों का और फैमिली का एहसास नहीं है तो अगली दफा अगर तुम हंसे चढ़ोगे खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं दंगे की चोट पे इस्तेमाल करूंगा, किसी का भाव भी मुझे नहीं रोक सकता। उस्मा बुखारी साहबा, ये तुम कहती हो ना कि जलसे तुम पख्तूनख्वा में करो, पख्तूनख्वा में क्यों जलसे करूँ? तुम्हारी जो वज़ीराला बैठी हुई है इसका बाप तो इलाज करने के लिए लंदन गया हुआ था, मेरा तो लीडर जेल में है और नाजायज जो जलसे कर रही थी पंजाब में, तुम्हें तो कभी उन्हें मना नहीं किया। कल की बात, ये बात क्या मुंह में रह गया है जब मौलाना फजल रहमान ने ये कह दिया कि मुझे आके बुलाया है कि इमरान खान की हुकूमत गिरानी है और साथ ये कहा अमरीका का प्रेशर है। और मौलाना साहब आपने भी बहुत देर कर दी, कुछ और भी आपके दिलों में राज है वो भी आप बता दो। आपने खड़े हुए कहा था कि इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, आज आप कह रहे हैं कि अमरीका ने गिराई है। फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जमीर जाग गया है, लेकिन कुछ और बातें भी आपके पास वो भी करें।